हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए बताया, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्लाइडर। इस एप्लीकेशन का क्या क्या यूज है तो देखिए। अब मैं यहाँ पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ से ही वॉल्यूम स्पीच रेट घटा बढ़ा सकते हो स्क्रीन से, ठीक है। जिसके फिंगर प्रिंट है उनके काफ़ी फायदा है, ठीक है। तो चलते हैं नेविगेशन डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑडियो डॉकिंग स्पीच रेट। तो दोस्तों मेरे फिंगर प्रिंट नहीं है, तो इस कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फिंगरप्रिंट वालों के लिए ही ये स्लाइडर काम करता है। तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सेटिंग है। यहाँ से स्क्रीन से आप स्पीच रेट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो अपने कोई से भी टीटीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे वो स्लाइडर नहीं था, सॉरी दोस्तों बोल रहे हैं, मिस्टेक हो गई, सिलेक्टर था, ठीक है। ठीक है, सिलेक्टर को हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें, सिलेक्टर की सेटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है। जो मैंने किया था स्क्रीन से नेक्स्ट ना, वो क्या नाम से स्पीच रेट ना ऑडियो टेकिंग वगैरह, वो आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ओपन करते हैं इसे, सिलेक्टर को मैंने ओपन किया, आगे देखते हैं। Selector activation. Swipe up and down on the fingerprint sensor to select the setting. Swipe up and down on the screen to change the setting value off, switch, and listed. ये बोल रहा है ये फिंगरप्रिंट के साथ ही काम करेगा, तो आपके फ़ोन, मेरे तो फिंगरप्रिंट नहीं है, तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट होगा तो आपकी ज़रूर स्पीच रेट स्क्रीन टॉकबैक सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, स्क्रीन से बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पीच रेट ऑन स्विच डिसेबल्ड वोरासिटी ऑफ स्विच डिसेबल्ड नेविगेशन ऑन स्विच डिसेबल्ड, ठीक है। नेविगेशन ऑन, ऑडियो डॉकिंग ऑन स्विच डिसेबल्ड, ठीक है डिसेबल है। अब यहां पे इसे ऑन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑफ है, इसे ऑन कर लेंगे, ठीक है ऑन कर लिया मैंने, ऑन हो गई, ऑफ और ये से ऑन कर लेते हैं, मैंने ऑफ कर रखी थी पहले, ठीक है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑन है, ऑफ है, ठीक है। अब बैग, बैग आके हम लोग जेस्चर में चलते हैं, टॉक बैग जेस्चर में, ठीक है। Keyboard shortcuts, custom labels, miscellaneous, select gestures, selector, gestures. ठीक है, जेस्चर में चलते हैं। अब आपको देखिए, पहले नंबर के जेस्चर में भी कुछ नहीं करना, ठीक है। Gestures. ये इसका हेडिंग है, shortcut gestures, edit and list. नहीं सॉरी, हाँ इसका हेडिंग है। अब देखते हैं, swipe up, previous navigation setting. पहला जेस्चर ये है, स्वाइप अप, ठीक है। दूसरा swipe down, next navigation setting. Swipe down. Swipe left, previous item. ठीक है. Swipe right, next item. Swipe right, next item. चार निकल गए. Swipe up, then down. Focus first item on screen. ठीक है, पांच नंबर के ऑप्शन, पांच नंबर के जेस्चर पे आपको जाना है, और वहाँ पे करना है प्रीवियस, नहीं नेक्स्ट नेविगेशन, नहीं नेक्स्ट सेटिंग, ठीक है। अब दिखा देता हूँ, एक बार गिना देता हूँ आपको एक बार फिर से, ठीक है। ठीक है, हेडिंग है, swipe up, previous navigation setting. एक, swipe down, next navigation setting. दो, swipe left, previous item. तीन, swipe right, next item. चार, swipe up, then down, focus first item on screen. ठीक है, यहाँ पे पांच, पांच नंबर के ऑप्शन पे आपको नेक्स्ट सेटिंग करना है, ठीक है। डबल टैप करके मैं इसे ओपन करता हूँ, swipe up, then down. Focus first item on screen. Four. Focus last item on screen. Five of 27. ये भी हमें नहीं करना. Scroll back. Six of 27. ये भी नहीं करना. Scroll forward. Seven of 27. ये भी नहीं करना. Previous navigation setting. Eight of 27. ये भी नहीं करना दोस्तों. Next navigation setting. Nine of 27. और ये भी नहीं करना. Next navigation नहीं है. Next setting है, ठीक है. Back button. Ten of 20. Home button. Eleven of 27. Overview button. Twelve of 27. Button. Open notifications. Thirteen of 27. Open notification. Open quick settings. 14 of 27. Open quick settings. Open global context menu. 15 of 27. Open global context menu. Open global context.
on text menu, 16 of 27. Open local contact menu. Read from top, 17 of, read from next item, 18 of 27. Read from top, read from next item. Show actions, 19 of 27. Show action. Show edit options, 20 of 27. Show edit option. Show install languages, 21 of 27. Install languages. Perform click, 22 of 27. Perform click. Selected setting next action, 23 of 27. Selected setting next item, ठीक है? ये भी नहीं करना दोस्तों. Selected setting previous action, 24 of 27. ये भी आपको नहीं करना. Selected setting previous item. Select next setting, 25 of 27. Select previous setting. Screen search, 20. Cancel button out of list. अब मैं बताऊं जो आपको करना है. Screen search, select previous setting, 26 of 27. ये भी नहीं करना. Select next setting, 25 of 27. Select next setting, ठीक है? ये आपको ले लेना है, ठीक है? ले लेते हैं इसे. Gestures, swipe up and down, select next setting and list. अब छठे नंबर के ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आपको क्रिबेस क्रिबेस सेटिंग करनी है, ठीक है? आगे ठीक है, यहाँ पे swipe down and up, focus last item on screen, 5 of 20, scroll back, 6 of 27, scroll forward, 7 of 27, ये सब है. Previous navigation setting, 8 of 20, next navigation setting, 9 of 27, back button, 10 of 27, button. Home button, 11 of 27, button. Overview button, 12 of 27, button. Open notifications, 13 open of 27, open quick settings, open local contact, read from top, 7, read from next item, show actions, 19, show edit options, show installed languages, perform click, selected setting, next action, 23 of, selected setting, previous action, 24 of 27, item. Select next setting, 25 of 27, select next setting. तो क्रिबेस सेटिंग आपको यहाँ पे ले लेनी है दोस्तों, ठीक है? Select previous setting, 26 of 27. ठीक, क्रिबेस सेटिंग हम लोग लेते हैं. Gestures, swipe down and up, select previous setting, back. अब तो अब यहाँ पे आपको फिंगर एक फिंगर ऊपर स्क्रीन पर रख के स्वाइप अप टू डाउन नहीं स्वाइप अप डाउन टू अप टू डाउन मतलब एक उंगली को ऊपर से नीचे ला के वहाँ से ही ऊपर ले जाना है, ठीक है? मैं ले जाता हूँ. स्पीच रेट स्वाइप डाउन डाउन टू अप, ठीक है? स्वाइप अप टू डाउन डाउन टू अप ऐसे करना है आपको, ठीक है? ऑडियो डकिंग जैसे हम लोग करते ना, कैरेक्टर डिफॉल्ट कैरेक्टर डिफॉल्ट, तो आपको वहाँ पे फिंगर उठानी नहीं है, ओनली फिंगर वहाँ नीचे ले जाके वापस ऊपर लानी है एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है? Navigation, speed rate, default. ये सब कुछ आपको अपनी होम स्क्रीन पर दिखाई देगी, देखो फोन वगैरह सब कुछ है, ठीक है? यहाँ पे दिखाई देगी. तो ऐसे ही होता है सिलेक्टर की सेटिंग. तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.